ए, रुक। हुँ? ये सरला का घर किधर है? ओ, मेरी माँ के बारे में पूछ रहे हो क्या? चलो लेकर चलता हूँ। चल। माँ, माँ। आज तो इसे बताती हूँ। क्या है, बाहर जाने के लिए बोली थी ना, जल्दी क्यों आ गया? इसको पूछा घर किधर है तो इधर तक लेकर आया मेरे को। पांच मिनट रुको, अभी आ गया हूँ तो रुकना तो पड़ेगा ना। पहले से ही कस्टमर था? हाँ हाँ। कितना? तो है तो सुंदर, 500 दे दूंगा मैं। 1000 दोगे तो अंदर आना, नहीं तो बाहर चले जा। इधर तक आ गया हूँ तो बाहर क्यों जाऊंगा। चल, ये छोटू तेरा बेटा है क्या? अबॉर्सन के पैसे नहीं थे इसलिए पैदा हो गया। आइए। रोज रोती हो ना कि तुम्हारे पिताजी मर गए, इसलिए मैंने दोबारा शादी कर ली। आज से यही तुम्हारे पिता हैं, समझ गई ना? क्यों बेटी, रो क्यों रही हो? मैं हूं ना, अब से मैं तुम्हारे पिता के समान हो, तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। कुछ नहीं होगा, छोड़ो मुझे। मेरी बात तो सुनो। तेरा बेटा भी है क्या? एक बच्चे की माँ को पैसे कम देते हैं, पता है ना? ए, तेरी वजह से मेरा धंधा चौपट हो रहा है। उठ, खड़े हो। कितनी बार तुझसे कहा है बाहर जाकर खेल, निकल निकल बाहर, निकल बाहर। तुम घर से भाग के आए हो क्या? हाँ, आपको कैसे पता? मैं भी भाग कर आई हूँ, इसीलिए समझ गई मैं। तो अब आपका कोई नहीं है क्या? कोई नहीं है। तो आज से मैं आपके साथ रहूँगा और आप मेरे साथ रहना। ठीक है। लगी है। चलो।
भैया, इसे भूख लगी है, खाने के लिए कुछ होगा तो इसे दे दो ना। मुफ्त में खाना कौन देता है, अंदर बर्तन है, धोकर आओ तब खाना मिलेगा। ठीक है भैया, तुम यहीं पे बैठो। हाँ हो गया भैया। उस कोने में खाना रखा है, जाकर खा ले। आ जाओ, खा लो। आज से मैं आपको ही माँ कहूँगा। ऐसा क्यों? माँ ने कभी ध्यान नहीं दिया कि मुझे भूख लगी है, पर मेरे मांगते ही आपने खाना खिलाया, इसलिए आज से आप ही मेरी माँ हो। हाँ ठीक है, ठीक है भैया, चलते। सुनो, इसको दोपहर में फिर से भूख लगेगी, शाम को भी भूख लगेगी, रात को भी भूख लगेगी, तब कहाँ जाओगी, यहीं रहो ना। चलो चलो। रुको जरा, पहले बताओ ऐसा क्यों किया? तुम मेरी माँ हो ना, तुम्हें कोई परेशान करेगा तो मैं ऐसा ही करूँगा, ठीक है ना? हमेशा ऐसा ही करूँगा। कब से काम कर रही हूँ, ये लो पानी पी लो माँ। जोर से खींच भाई, इसकी कमर तो देख। तुमने पी लिया क्या? हाँ मैंने पी लिया माँ। जाओ। अरे रुक जाओ। चलो यहाँ से, चलो, नहीं मारना है, चलो। ए रुक जाओ। तुमने इन्हें क्यों मारा? मेरी माँ को गंदी नजर से देख रहे थे, ये मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए एक एक को पकड़ के मारा। ये तुम्हारी माँ है? हाँ ये मेरी माँ है, अगर मेरी माँ को किसी ने गंदी नजर से देखा तो मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। माँ को किस नजर से देखना चाहिए इन्हें पता नहीं है। देख रहे हो विजय जी, इसके तेवर तो देखो। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अब तक कितनों को मारा है सर? 30 लोगों को मारा है। तो फिर यही मेरा नाम है। तीस मार खान, अच्छा है। सर मुझे अपनी माँ को पढ़ाना है, उसका ध्यान रखना है, जो मेरी तरह ध्यान रखेगा उसी से शादी कराऊंगा। और ये सब करना है तो मुझे एक अच्छा परिवार चाहिए सर, कोई ऐसा बताए जो हमें गोद ले सके सर, हम दोबारा स्टेशन नहीं जाएंगे सर। बस इतना ही कि कुछ और बाकी है? बस इतना ही। बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां जाकर बैठो। विजय जी सर, इन सबसे दस्तखत लेकर इन्हें छोड़ दीजिए। ओके सर। चलता हूं सर। ए बैठिए, एक एक करके लाइन में आओ। सॉरी सर। लाइन में लग के आओ। हाँ सर ठीक है, यहाँ साइन करो। एक एक करके आओ, दोबारा नहीं होगा सर। मतलब तुम्हारा कोई नहीं है? मेरी पूरी फैमिली एक्सीडेंट में मर गई, दुख बांटने के लिए और अपना दुख किसी को सुनाने के लिए मेरा कोई नहीं है। मेरा दुख बांटने के लिए अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारे दुखों को मैं खत्म कर दूंगा, रहोगे ना? ठीक है सर।
अरे अब तक मूर्ति हिल क्यों नहीं रही है? अरे मूर्ति को हिलाने के लिए हमारे अंदर भी तो मूवमेंट होनी चाहिए। अरे तो वो है कहाँ? ऑलरेडी मूवमेंट शुरू हो गई है। मूवमेंट पे है क्या? हमने पुलिस स्टेशन के बहुत चक्कर लगाए, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। हमारा बेटा कहाँ चला गया है हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। कम से कम आप लोग मदद कीजिए। मेरे भैया ऑफिस जाने के बाद लौटे ही नहीं, हर जगह ढूंढा, कंप्लेंट भी किया, कुछ नहीं हुआ। अब बस इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास रोकने का पावर भले ही हो सर, लेकिन हम रोक ना पाए, इतना पावर उनके पास है सर। इसकी असली वजह कौन है? असल में यहाँ हो क्या रहा है? ये सब हम रोक क्यों नहीं पा रहे? हमारे पास रोकने का पावर भले ही ना हो, लेकिन हम रोक ना पाए, इतना पावर उसके पास है सर। कौन है वो? एक राक्षस जब इंसान के रूप में पैदा होता है वो वैसा ही है सर। नाम है जीजा। लैंड कब्जा, मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेटिंग हाउस, ऐसे बहुत सारे इलीगल बिजनेस है सर उसके। अगर उसके काम के बीच में कोई आ गया तो, या उसे जो दस्तखत चाहिए वो उसे नहीं देने वाला कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो, वो उसका नाम और निशान मिटा देता है सर। एक कंप्लेंट भी नहीं है, फिर उसे कैसे अरेस्ट करे सर? भले ही उसके खिलाफ कंप्लेंट ना हो, कंस्पिरेसी से अरेस्ट करो उसे। सिर्फ उसे ही नहीं, उसका नाम लेने वाले हर एक को अरेस्ट करो। राक्षस को रक्षक क्या होता है ये दिखाओ। हेलो, गुड मॉर्निंग होम मिनिस्टर जी, दिस इज जीजा। राउडिज्म को रोकने के लिए हीरोइज्म बढ़िया दिखाते हैं फिल्मों में, लेकिन रियल लाइफ में राउडिज्म ही हीरोइज्म होता है। तुम्हारे साथ मीटिंग में जितने लोग हैं उनमें से आधे मेरे लोग हैं। अभी क्या उखाड़ने के लिए रखी है वो मीटिंग? Hey, हिम्मत है तो छिप मत। I wish you all the best। किसी को भी छोड़ना मत, एक एक को पकड़कर अंदर डालो। I want this cut behind the bar। कमिश्नर साहब। सर, मैं अपनी गाड़ी में जाता हूँ, पर कॉनवॉय को मेरे साथ मत भेजना। वो किस लिए सर? हम जब किसी इंसान को टारगेट करते हैं तो वो भी हमें टारगेट कर रहा है, इसका ध्यान रखना चाहिए। ओके सर। चल अंदर। हेलो। हेलो सर, आप सेफ हो ना? हाँ सेफ। सभी अरेस्ट ठीक से हो रहे हैं ना? हो रहे हैं सर, कल शाम तक जीजा को अरेस्ट कर लेंगे। किसी भी हालत में वो मिस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर। हेलो होम मिनिस्टर जी।
ए, अब तक तुम मरे नहीं क्या? Expected. एक बार टक्कर मारने से काम नहीं होता है, इसलिए सेकेंड टाइम का प्लान किया है, राउंड टू. नहीं, 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 नहीं. अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? हाँ, पता है, पता है. नहीं नहीं नहीं, ए जीजा, सारे लोगों को छोड़ दो, छोड़ दो. ये कौन है जिसने कार को रिवर्स में पार्क कर दिया? उतरो रे. अरे क्या बात है, क्या हो गया? ब्रिलियंट पार्किंग. अरे इतना क्या शर्माना, कार में ही सो सकता था ना, बाहर कहीं को. भाई लगता है इसके मुंह पर किसी ने सॉस फेंक दिया. ये तो भीखा है. ए, इट्स एन एक्सीडेंट मैन. एक्सीडेंट बोले तो हमें इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा. पागल है क्या, इस तरह के लफड़े में पड़ना है क्यों? अरे भाई हम जब दारू पीते ना तभी कोई अच्छा काम करते हैं, आम तौर पर तो करते ही नहीं है. कम ऑन, लेट्स सेविंग मैन. कितना भारी है ये. ए होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, रुको रुको. उतरो. अरे सुनो, कोई मरने की हालत में था तो उसको लेकर आए, आके बचा लो. भाई हम लोग जहाँ पर आए हैं वो हॉस्पिटल ही है ना? फिगर मस्त है, ये सब नर्स ही है, पक्का हॉस्पिटल है. उन्हें लेकर तुम लोग आए हो क्या? उन्हें लेकर तुम ट्रैक्टर पर आए हो? तुम्हें पता है वो कौन है? नहीं पता, जरूरत भी नहीं है. वो मर गया या जिंदा है पहले ये पता कर लो, बाकी क्या फर्क पड़ता है. क्या आदमी हो यार. छी भाई, हम किसी फिल्म के एक्टर को लेकर आए हैं क्या जो इतना बिल्टअप दे रहा है ये? मुझे भी वही डाउट है, मैंने किसी सीरियल एड में कहीं तो देखा है ना. मुझे भी वही लग रहा है भाई. करेक्ट है यार, करेक्ट. बहुत नींद आ रही है भाई, सो जाता हूँ. या मिनिस्टर साहब सेफ हैं, नथिंग टू वरी. हाँ हाँ हाँ, वो अपने पर्सनल कार में गए थे इसलिए ऐसा हुआ. नहीं नहीं सर, मैं उनके पास में ही हूँ, इंक्वायरी चल रही है ऑलरेडी. सर मुझे यहाँ एडमिट किसने? सर वो नीचे है सर, उन्हें बुलाओ. ओके ओके सर, बुलाता हूँ. सर बुला रहे हैं. जाकर बोल दो ये सर सो गए. बुलाने वाले सर हैं भाई. ए सर 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 कहकर कब से जान खा रहा है बे? कौन है तुम्हारा सर? चलो चलते हैं. भाई भाई प्लीज भाई, हो गया क्या? भाई भाई चल ना भाई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ भाई, चल ना. तुम लोग आराम करो. अरे बाप रे, क्या है ये, फाइव स्टार होटल लग रहा है. स्टडी सर बोले तो आप ही हैं क्या? भाई थैंक्स भाई. आपने कुछ और बात करने का फिक्स किया है क्या? मेहरबानी करके रोक दो प्लीज, जोरदार नींद आ रही है. बहुत टाइट हो चुका हूँ मैं, घर जाऊंगा तो माँ डांटेगी. आप यहाँ पर रिलैक्स कीजिए, एसी बहुत ठंडा है. आज रात को मैं यहीं पर, ओके चलेगा ना, यहीं पर रिलैक्स करता हूँ. हेलो मास्टर, कल सुबह शार्प 9 बजे उठा देना, भूल मत जाना. ओके गुड नाइट. अरे यार सर बहुत घूम रहा है. कहाँ हूँ मैं? अरे 9:30 बज गए. अरे ओ बड़े भाई, सुबह 9 बजे उठाने के लिए बोला था ना. क्या यार तुम भी,
अभी घर जाऊंगा तो कितना बड़ा बवाल होगा पता है? जा रहा हूँ मैं। अरे मेरी बात सुनो भाई। क्या है? मैं कौन हूँ जानते हो क्या? रात से इतना बड़ा बिल्टअप दे रहे हो, कौन हो भाई तुम? होम मिनिस्टर। ओ कांग्रेचुलेशंस, नाइस टू मीट यू सर। मेरा नाम है तीस मार खान। भाई अगर कभी जरूरत हो तो मेरे पास आना, चुटकी बजाते काम हो जाएगा। फिलहाल तो कोई जरूरत नहीं है, आपको जरूरत हो तो बजाइएगा ऐसे चुटकी। चलता हूं सर। अरे इसकी तो ज्यादा पी ली है, अभी देख लेगी तो पता नहीं क्या होगा। सेट है। नहीं देखेगी तो अच्छा है। ए देख लिया। बोलो माँ। रात भर कहाँ थे तुम बताओगे? वो तालाब के पास गणपति की मूर्ति है ना, विसर्जन के लिए फ्रेंड्स के साथ उस तरफ गया था। एक पैग लगाने के लिए बोला तो सोचा कोई परवाह नहीं, तीर्थ समझ कर लगा देते, ये सोच के मार ली। चढ़ी ही नहीं माँ, फिर और दो मार ली, नहीं चढ़ी, तीन मारी, नहीं चढ़ी, चढ़ी नहीं रही है ये सोचकर चौथी पांचवी छठवी सब मार ली, फिर चढ़ गई माँ, तो फिर रात में वहीं पर सो गया। ये फालतू काम कितना अच्छे से बता रहे हो मुझे, कहाँ थे तुम? जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। कूल माँ, चल जल्दी से इसके पहुंचा। और चक्कर कहाँ जा रहे हो? क्लब जा रहा हूँ। सुबह सुबह क्लब जा रहे हो, क्या बात है। प्रेस क्लब जा रहा हूँ। सॉरी सॉरी, ठीक है जाओ जाओ। बहुत ज्यादा सोचते हो और बहुत बोलते भी हो। नाइस ग्लैमर यार तीस मार खान। बाय माँ। कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ वो सनी ने कहा है कि कॉलेज में छोटा सा सेटलमेंट। क्या कहा? वो कॉलेज में सनी ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसको ठीक से पढ़ने के लिए बोलने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो तुम किसी काम के हो नहीं, और ये जिम किस लिए डाला है? बिजनेस करने की क्या जरूरत है तुम्हें? पहले जिम जाओ और देखो कलेक्शन कितना है। ओके माँ। बिजनेस के बाद ही सब कुछ। समझ में आ गया ना? हाँ समझ गया माँ। जाओ तुम काम करो अपना। ए जाना। बाप रे ये तो अरुणा ईरानी है। अरे यार सुबह सुबह बारिश कहां से आ गई, पूरा गीला कर दिया। तीस मार खान बढ़िया। ए, इतना स्लो भागेगा तो टायर कैसे पिघलेगा? अरे फास्ट करो ना। ये सब क्या है यार, इतना स्लोली कोई करता है क्या? लड़कियां हैं यार, लड़कियां होती तो अच्छा होता ना। ए, दोनों एक ही जगह क्या उखाड़ रहे हो, जाओ दूसरा काम करो। हैंगओवर कम नहीं हुआ क्या भाई? नहीं यार अभी तक नहीं, घर में कैसे कैसे मैनेज करके आया हूँ। अच्छा भाई कलेक्शन कैसा है? कुछ भी नहीं। ऐसा रहेगा तो कैसे चलेगा, इतने लोग तो आ रहे हैं ना। जान पहचान वालों के साथ बिजनेस करेगा तो यही होगा, यहाँ कलेक्शन नहीं बस खाता खुलता है। ऐसा रहेगा तो हमारी तरक्की कब होगी यार। ए भाई जरा उसको देख, वो भले ही जिम कर रहा है लेकिन उसके बाजू वाले बॉडीगार्ड है। ये होती है असली लाइफ। और हमको देख यार, जंग लगी हुई जीप, छोटे मोटे सेटलमेंट्स, वेरी बैड। ये क्या यार? अपना ही है, ऑफर है। हम खुद ऑफ होने की हालत में, ऐसे में ऑफर, काम कर अपना। क्यों भाई कैसा है? भाई नमस्ते भाई। ए, नमस्ते भाई। कैसा चल रहा है बिजनेस? बहुत बढ़िया चल रहा है भाई, अभी हम यही बात कर रहे थे। किसी चीज की जरूरत हो तो आगे मिल लेना। जरूर भाई, ठीक है भाई। ए, ये है कासिम, इस एरिया में बहुत बड़ा तोप है, पता नहीं तुझे? मुझे क्या पता, मेरे लिए तो तू ही है। कोई बात नहीं, इतनी इज्जत मिले तो काफी है। कहाँ है रे सेटलमेंट? टी केयर कॉलेज। ओ पढ़ने के लिए तो कभी गया नहीं, उन्हें मजा चखाने के लिए ही चलते है ना। गर्ल्स होंगी क्या वहाँ? गर्ल्स नहीं, एंजल्स होंगी। तो फिर तो जाना ही पड़ेगा। चलो यार, चलो रे। ए, चल यार। अरे
है कितना ट्रैफिक। अरे और कितनी देर ये सब चलेगा, जरा देखना। लगता है कोई मर गया है भाई। ओ, मुझे लगा शादी की बारात है। हा? क्या डांस कर रही हैं लड़कियां यार। ऐसा क्या? हाँ। ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है यार? ये तो मेरा स्टेप कॉपी कर रही है यार, ये तो अपना ही स्टेप है। बाप रे, जो भी ये कमाल कर रही है। ए, जरा हट जा। अरे भाई ये रॉड है। अरे क्या परेशानी है तुम लोगों की? इतनी सुंदर लड़कियां इतना खूबसूरत डांस कर रही हैं, कितना खर्च करने के बाद मिलता है इतना अच्छा विजुअल, इसलिए थोड़ी देर शांति से देख लो। इस एक लड़की को छोड़कर तुम लोग डांस करो बेबी। यही तो बात है, लड़कियों की तारीफ करो तो कहां पटती हैं। क्यों भाई? मुझे क्या पता भाई, पीछे पटने से पटती है ना। बैठ जा। तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? देखते ही घर तक आ गया हूँ तो इसका मतलब फॉलो कर रहा हूँ ना। मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, चलो यहाँ से निकलो। थैंक यू। किस लिए? पूछने से पहले ही बता दिया, मतलब झूठी है। कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। तुम बहुत खूबसूरत हो, अगर इतना भी नहीं करूँगा तो तुम पटोगी कैसे? वैसे तुम हो कौन और मैं तुमसे क्यों पटूं? मतलब लड़का लड़की से और लड़की लड़के से पटनी चाहिए ना, ये कुदरत का नियम है, इसे कैसे मना कर सकते हैं? दोबारा अगर मेरे घर के आसपास नजर आए तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मैं क्या 80 या 90 में लव कर रहा हूँ क्या, जो ऐसे घर के सामने आकर वेट करूंगा? हाँ, लेकिन अगर तुम मुझे दोबारा दिख गई ना तो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे फर्क पड़ेगा ना। अरे सुनो बेबी, मुझे फर्क पड़ेगा, मुझे बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ, फर्क पड़ेगा ना। चल हम भी चलते। सर, सेटलमेंट करने चले? नहीं यार, इस लड़की ने दिल को छू लिया है, आज इसी फ्लेवर में रहेंगे, कल देख लेते हैं ना सेटलमेंट वेटलमेंट। अरे सही, लड़की के आने के बाद ऐसा ही होता है। हमारे मिनिस्टर आज मौत के खतरे से बाहर निकले हैं, उन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए जो नेक काम किया है वो आज काम आया। मिनिस्टर साहब द्वारा खोले गए डायग्नोस्टिक सेंटर से लोगों को उचित इलाज मिल रहा है, उनकी दुआओं के कारण ही उनकी जान बच पाई है, ऐसा देश की जनता सोच रही है। नमस्ते। ये एक्सीडेंट किसने करवाया होगा सर? लोगों का कहना है कि इस घटना के पीछे जीजा का हाथ है, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये किसने किया, क्यों किया, ये सब कुछ पुलिस डिपार्टमेंट अच्छी तरह देख लेगा, लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तब एक लड़के ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। तीस मार खान को मीडिया के सामने मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। होम मिनिस्टर कुछ ज्यादा ही सोशल सर्विस कर रहा है। हाँ भाई, RGR नाम पर 12 डायग्नोस्टिक सेंटर हैं भाई, हर जगह पर फ्री टेस्ट सर्विसेज कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम बहुत अच्छा है भाई। ये 30 मार खान कौन है? वो कोई छोटा बच्चा है भाई, मेरी गली में जिम चलाता है, मेरे नाम से ही हवा निकल जाती है उसकी। 30 मार खान, इंटरेस्टिंग नेम। रुको रुको रुक जाओ। अच्छा सनी,
सेटलमेंट के नाम पर जल्दी जल्दी तू लेकर आ गया। लफड़ा करना है इसलिए मैं कड़क तैयार होकर आ गया। थोड़ा आराम से, हम यहाँ पर किस लिए आए हैं जरा बता। अरे मेरे बाप का ब्याज का बिजनेस है। हाँ, बिल्कुल। मेरे बाप ने यहाँ किसी को 2 लाख का कर्ज दिया है। हाँ। 6 महीने से ब्याज नहीं दे रहा है वो, और मांगो तो टरका रहा है और आराम से इधर उधर घूमता रहता है। तो ये बात है क्या? सोशल सर्विस बहुत बढ़ गई है आजकल। महान भाव है। हाँ, चलो रे। इससे इज्जत से बात करेंगे तो ये समझेगा नहीं। ए भाई, इधर आ जरा। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सब लोग आ जाओ। पैसा मांगा, तूने इस्तेमाल भी किया, वापस मांग रहा है, तो तू इसके साथ खेल रहा है? अगर नहीं देगा तो यही करना पड़ेगा ना। क्या है, हीरोइज्म है क्या? आसपास जो भी है वो सब लोग देख लो, इसको जैसे मारा है वैसे ही मारूंगा। इज्जत जाएगी तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। कल शाम तलक इसका पैसा। क्यों रे? कल शाम। ये लड़की भी यहीं पर पड़ती है क्या? अच्छे सेटलमेंट के लिए लेके आया है भाई तू। अगर शाम तक पैसे नहीं दिए ना तो कूट कूट के मारूंगा, पहले ही बोल रहा हूं। नजर नीचे कर, चलो रे। भाइयों, तुम तीनों इस कॉलेज के चक्कर लगाकर अर्जेंटली इस लड़की के सारे डिटेल्स पता लगाओ। जाओ जाओ जाओ। ठीक है, डन कैप्टन। कहा? नाम अनघा है। माता पिता यूएस में रहते हैं। तो फिर ये लड़की? अपने चाचा क्या रहती है। पढ़ाई? MBA सेकंड ईयर। और अरे इसकी तो मुश्किल है भाई, नहीं हो पाएगा। बाकी का मुश्किल काम मैं कर लूंगा। हम चलते हैं। क्या हो गया भाई? मन में कुछ इच्छा कर रही है यार। अच्छा, क्या इच्छा कर रहा है? चलो बताता हूँ। मैडम। हाँ, बोलिए। यहाँ ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा? 10th इंटर डिग्री का सर्टिफिकेट और फीस भर के कोई भी ज्वाइन कर सकता है। ओह, ये पढ़ने से पहले इतना सब पढ़ना पड़ता है क्या? अरे भाई, मेरे घर जाकर, मेरे बेडरूम में, मेरे बेड के बगल की अलमारी के अंदर, लॉकर के नीचे, इन्होंने जो बोला ना वो सारे सर्टिफिकेट्स वहीं पर रखे हैं। जा ले गया सर्टिफिकेट। इतना संभाल के रखा है भाई। अरे बहुत मेहनत करके पढ़ाई की है ना। जाना बे। क्या? जा जरूर। ये ले सर्टिफिकेट्स। और फीस? RTGS। RTGS ट्रांसफर हो जाएगा। बढ़िया। ओके, कल से मैं आ सकता हूँ क्या? हाँ, आ जाना। नमस्ते। नमस्ते।
कमर है इसकी। अरे ये क्या, ये हमारे कॉलेज में क्यों आया? किसी को मारने आया होगा और कितना क्या? पढ़ते हो यार, इतनी सारी किताबें हैं। बेबी एंग्री बर्ड, क्या हुआ इनको? अरे सब ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? ओ कल मैंने जो लफड़ा किया था उसकी वजह से। डरिएगा मत, बिल्कुल मत डरिए, मैं जिम्मेदारी से यहां पर पढ़ने नहीं आया हूं। इज्जत से इस लड़की से प्यार करने आया हूं। तुम लोग पढ़ाई करो ना। हेलो, अरे पढ़िए पढ़िए ना। अरे आ रही है, लगता है पढ़ गई। हाय, घर के पास आने के लिए मना किया तो कॉलेज आ गया। अरे ये क्या, तुम सीधा पब्लिक में? तुम्हारे घर में या मेरे घर में होगा तो अच्छा रहेगा ना। क्या है तुम्हारी एक्सपेक्टेशन? वो लड़के हैं ना, इतना तो होगा ही। ए, मैंने तुझे पहले ही बता दिया था ना, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। अरे कोई बात नहीं, उसे भी बुला लो, हम दोनों लड़ेंगे, जो जीतेगा वो तुमसे शादी करेगा। अरे मैंने क्या बोला और तुम क्या समझ रहे हो? Don't you get it? I got it, baby. Baby, मुझे बस एक ही चीज आती है, मारना। अगर वो हमारे प्यार में काम आएगा तो अच्छी बात है ना। ब्लेस यू बेबी। क्या खाती हो बेबी? कहीं से भी देखो तो सुंदरी दिखती हो। आ जा पास रे, ना जा दूर रे, फिदा ये दिल मेरा तुझ पे हो गया। आ जा पास रे, ना जा दूर रे, फिदा ये दिल मेरा तुझ पे हो गया। ये दिल क्या करे तुझ पे हमर मिटे, दिल मेरा तेरे बिना लागे कहीं ना। यारा समझो ना तुम हो मेरी जानम, मैं तो बस ये जानू तुमको चाहो ये बात मान ले। मेरी सांसे हो तुम ही सारा जीवन जानम, तुम ये सुन लो तेरे बिना हम न जी सके। वादा है ये, वादा है ये, तू है मेरी वादा है ये, दिल माने ना कुछ जाने ना, तुम हो बस मेरे पास मेरे। राजा तू है मुझसे तू वादा कर ले, तेरे बिना जीना है ना, वादा है तुझसे। वादा है ये, वादा है ये, तू है मेरी वादा है ये, दिल माने ना कुछ जाने ना। अपना 30 मार खान आजकल रोज कॉलेज जा रहा है, पता है? क्या हुआ, कोई जॉब वॉब मिल गया क्या? नहीं नहीं, जॉब क्या है, स्टूडेंट हूँ मैं। स्टूडेंट? तुम स्टूडेंट कैसे लगते हो? वो यहाँ के एक स्टूडेंट के लिए मुझे स्टूडेंट बनना पड़ा माँ। लव का चक्कर है? लव ही है लेकिन वन साइड है, वहाँ से नो रिस्पॉन्स। क्या कहा, तुम उसे पसंद कैसे नहीं आए? सुनो जी, हम दोनों कॉलेज जाएंगे। ओके डन। यही वो लड़की है माँ जिसने सब कुछ किया है। ओ, ये वाली है क्या? मुझे उससे पर्सनली कुछ बात करनी है। जाकर बात करो माँ। पर्सनली? ओ पर्सनली, पर्सनली बात करनी है, सुनाई नहीं दिया क्या? चलो उठो उठो, बाहर चलो, सब लोग बाहर निकलो। तुम बात करो ना माँ। जल्दी चल, धीरे क्यों चल रहा है, क्या टॉक कर रहा है क्या? निकलो रे। पता नहीं क्या बात करेगी। तेरी बीवी की डिलीवरी होने वाली है क्या, जो इतना टेंशन में है तू? तुम्हें पता नहीं है चक्री, इस टाइम में कैसा लगता है। ओ, तुम्हारी एज में सब बहुत देखा है। चल निकल।
ये लफंगे कौन है जो तुम्हें ऐसे देख रहे हैं? मुझे लव करने वाले मेरे लवर्स हैं। आप उसकी मदर हैं क्या? वो मुझे माँ कहता है, इस बात से तुम्हें आश्चर्य हुआ ना? तुम्हें ही नहीं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है। हम सगे भाई बहन नहीं है, ना ही हम एक खानदान से रिश्ता रखते हैं। बस बचपन में मैं उसे खाना खिलाती थी, इसलिए मुझे माँ कहता है। और तब से ही मुझे जरा सी भी परेशानी ना हो इस बात का उसने पूरा ख्याल रखा। पागल की तरह प्यार करता है मुझसे, सबको ऐसा प्यार नहीं मिलता, और जब मिले तो उसे खोना नहीं चाहिए। मेरे बगैर वो रह पाएगा या नहीं ये मैं नहीं जानती, पर मैं उसके बिना नहीं रह सकती। उसके साथ रहने के बाद तुम्हें भी ऐसा ही महसूस होगा। एक बार रहकर तो देखो, एक लड़की में वो अपनी माँ को देखता है, इतना अच्छा लड़का है वो। क्या हो रहा है चक्री? टेंशन मत ले, कन्विंस कर लेगी। वो तो है। कड़क वार्निंग देकर आई उसे। चलो। तुमने क्या बात की होगी मैं अच्छे से जानता हूँ। चलो। रोज जो मेरी क्लास लेती है वही किया होगा। एक मिनट। मैंने कहा था ना। मैं आपके साथ आपके घर आ सकती हूँ? तू ना जा दूर रे, तुझ पे दिल ये फिदा हो गया। मुझको बता दे तू दूर कैसे रहूं, दिल तेरे बिना ये कहीं ना लगे। यारा समझो ना हो मेरी जानम, तुमको ही बस चाहूं बात मान ले। मेरी सांसें हो तुम ही सारा जीवन, जानम तुम ये सुन लो, तेरे बिना हम न जी सके। वादा है ये, वादा है ये, तू है मेरी वादा है ये। दिल माने ना कुछ जाने ना, तुम हो बस मेरे पास मेरे। आजा तू रे मुझसे तू वादा कर ले, तेरे बिना जीना है ना, वादा है तुझसे ये। वादा है ये, तुम है मेरी वादा है ये। दिल माने ना कुछ जाने ना, तुम हो बस मेरे। लगता है कॉलेज वालों ने इसी लड़की के बारे में बताया था। क्यों बेटी, इतने लोगों के कहने के बाद भी तुम घर क्यों नहीं जा रही हो? क्या हो गया बेटी? मेरे पापा यहीं पे काम करते हैं, लेकिन कल से वो घर ही वापस नहीं आए। मेरे पापा के अलावा कोई नहीं है मेरा, अकेले घर में डर लग रहा है मुझे। आप लोगों ने इस बच्ची की हालत को देखा, अब गवर्नमेंट इस बच्ची को क्या जवाब देगा? असल में हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। उसके खिलाफ जाने वाले आप कहां तक जा सके आपको पता है ना, फिर हमारे जैसों की क्या हालत होगी? कोई फायदा नहीं, उसके खिलाफ हमें किसी को तैयार करना होगा। भाई मैंने जिस बैच के बारे में बताया था यही है। बैठिए। आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आप अच्छे से हैंडल करेंगे इस उम्मीद से आए हैं। नहीं सुनते फिर भी आना पड़ता, बात क्या है वो बताओ। सिटी आउटकट्स में एक प्रोजेक्ट करने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन वहां लैंड इश्यूज हो रहे हैं। प्रोजेक्ट वैल्यू कितनी है? 3,000 करोड़। एडलिंग चार्जेस कितना है? 10 करोड़। गुड,
गुड। मेरे बिना आप ये प्रोजेक्ट ना कर पाओ इस बात का मैं ध्यान रखूंगा। जाइए। What are you talking? What I am talking is 300 crores for 3000 crores project. Correct? Not done. तुम नहीं तो कोई और सही। अरे भाई नको नको। जरूरत पड़ी तो होम मिनिस्टर से बात करूंगा, सरकार से करवा लूंगा। साइलेंट। सोचा था मार के छोड़ दूंगा, लेकिन होम मिनिस्टर का नाम ले रहा है इसलिए जान लेनी पड़ेगी। I'm sorry. Suddenly कॉन्फ्रेंस की क्यों बुलाया? देखते हैं क्या? क्या हुआ भैया? क्या हुआ चक्री? अर्जेंटली क्यों बुलाया? वो माँ कहाँ पर है? वो माँ को क्या हुआ है चक्री? तुम्हें अब मुझे रिस्पेक्ट देने के दिन आ गए हैं। रिस्पेक्ट? क्या हुआ चक्री? मैं पिता बनने वाला हूँ। ये बात इस तरह से बता रहे हो क्या? चलो चलो चलो। कांग्रेट्स माँ। थैंक यू। वैसे चक्री ऐसे वक्त में हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए ना, ये डायग्नोस्टिक सेंटर में कौन लेकर आता है? मैं क्या करता यार, अचानक चक्कर खाकर गिर गई, पास में ये था इसलिए यहाँ लेकर आ गया। ठीक है ठीक है, अब क्या डिस्चार्ज हो जाएगा क्या? हाँ पूरा बिल सेटल कर दिया है, अभी घर ले जाना है। तो अब से मेरी माँ का और अच्छे से ख्याल रखना होगा। हेलो चक्री, माँ को घर पे लेके जाओ। बेबी तुम ही माँ के साथ जाओ। ठीक है। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो तुम? कुछ नहीं माँ, बताऊंगा, थोड़ा अर्जेंट काम है। चक्री माँ का कहाँ जा रहे हो बताओ ना। मैं आता हूँ माँ। क्या हुआ इसे? भाई भाई उल्लू ने आकर बहुत मारा। वो 30 मार खान है तो हमारा क्या कर लेगा? हीरोइज्म दिखाएगा, हीरोइज्म दिखाएगा। मत मार। मेरे हिसाब से वो तेरे घर पे गए होंगे। मेरी माँ का अब और अच्छे से ख्याल रखना होगा। क्यों रही है? चुपचाप एक कोने में खड़ी रह, नहीं तो क्या हाल करूंगा तू सोच भी नहीं सकती है। जान से मार दूंगा। तू उसकी मां कैसे हो सकती है? कौन हो तुम लोग? इतनी सुंदर है तू, जरा फिगर तो देख अपना। वो कॉलेज में हीरोइज्म दिखा रहा था इसलिए ये सब किया, और अगर आगे भी उसने ऐसा किया तो मैं तेरे पास आऊंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा ये बात समझ में नहीं आ रही है। समझा देना उसे। सुना है वो गाना?
कासिम के साथ सेटलमेंट के लिए आए हैं। मेरे हिसाब से वो तुम्हारे पास भी आ सकते हैं। ए, कासिम भाई बुला रहे हैं, चल। ए, रुक जाओ, इस मामले को यहीं रोक दो, इसे आगे मत बढ़ाओ प्लीज। ए, हम उसके जाने लगे, भेज दो। ए, इसे लेकर कौन डर रहा है? इसे लेकर हम डर गए तुझे लगता है? चक्रे, नहीं मत जाओ, मेरी बात सुनो। इसे कुछ नहीं होगा। चक्रे, इसे रोको प्लीज। ए, मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं होगा, शांत। चक्रे, रोको ना उसे। वो ठीक है, वो समझदार है, सब संभाल लेगा। गांजा के नशे में आकर तेरा जिम और तेरे लड़कों को तोड़ दिया। ये सारे लड़के मेरे पहचान के हैं, छोड़ दे इन्हें। मेरा जिम तोड़ दिया कोई बात नहीं भाई, लेकिन मेरी माँ पर आए तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ भाई? आप थोड़ा साइड हो जाएंगे तो पागल की तरह एक एक को धो सकता हूँ मैं। उसके बाद आप जैसा कहेंगे मैं लाइट ले लूंगा भाई। ए, क्यों बे, सर घूम गया है तेरा? मेरे सामने खड़ा होके मेरे आदमियों को मारेगा तू? बेटा, मार के तुझे यहीं दफन कर दूंगा। भाई प्लीज भाई, बस 10 मिनट, जान से नहीं मारूंगा, जस्ट हाथ पैर तोड़कर चला जाऊंगा। ए, अगर इन्हें हाथ भी लगाया तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। जा, देख क्या रहा है, चल निकल। बाय वन मार रहा हूं ना, इतनी जल्दी क्या है? जल्दी क्या है तुझे? जल्दी है क्या? जल्दी इतनी क्यों मची पड़ी है तुझे? हाँ, क्या देख रहा है बे? हाँ, मेरी माँ से पंगा लेगा, माँ से पंगा लेगा, माँ से पंगा लेगा, माँ से पंगा लेगा क्या? चमड़ी उधेड़ दूंगा। भाई 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 कहकर इज्जत दी तो सर पर चढ़ गए। अब देखा ना, मुझे ही लात मारनी पड़ी। सॉरी भाई, चलता हूं।
किया तूने? क्या बोल, क्या किया तूने? जान नहीं ली किसी की जान नहीं ली है मैंने, समझी? तुम्हें कोई बुरी नजर से देखे तो मैं सह नहीं पाता हूँ, ऐसे में कोई तुम पर हाथ डाले तो मैं बर्दाश्त कैसे कर सकता हूँ माँ? मेरा पागल प्यार ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा, जब तक जिंदा रहूंगा धरती पर चांद की तरह तुम्हारे पास ही रहूंगा, मरने के बाद भी भूत की तरह तुम्हारे साथ ही रहूंगा, ऐसा ही है मेरा प्यार, बस ये समझना है तो समझो या फिर रहने दो, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, ऐसे ही रहूंगा। क्या हुआ कासिम, कैसे हो? ये क्या हुआ? ए, किसने मारा? एक लड़का मेरे घर आकर मेरे लड़कों के सामने मुझे मारा भाई, आप कुछ करिए भाई। कौन है? तीस मार खान। तीस मार खान? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा नाम सुनते ही मुंह देगा। कोई भी स्टेप सिली नहीं होना चाहिए कासिम, सॉलिड होना चाहिए। तुम्हारी माँ जो कह रही है वो तुम्हारे भले के लिए कह रही है, ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा माँ ही मेरा प्यार है समझ नहीं पा रही हो? कल तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा तो तुम मुझे छोड़ दोगी, यही बात है ना? तो फिर बाद में क्यों छोड़ना, अभी ही छोड़ दो। कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए मुझे, जाओ बाहर जाओ यहां से। मां तुम बाहर से आकर 10 मिनट मुझसे बात नहीं करती हो तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है, ऐसे में तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे सहूंगा? सच कह रहा हूं मां, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। ए, मुझे भी तो इसी बात का डर है, कहीं इस प्यार के चलते तुम अपनी जान दांव पर ना लगा दो। मुझे कुछ नहीं होगा माँ, तुम्हारा ख्याल जो रखना है ना, मुझे कुछ नहीं होगा। ए, बेवजह तुम्हारी माँ के लिए जो गुस्सा था वो तुमने उस लड़की पर उतार दिया, वो बेचारी दुखी होकर बाहर चली गई, आधी रात का वक्त है, एक अकेली लड़की बाहर गई है, सेफ नहीं है, जाकर उसे लेकर आ, चल जा। सॉरी बेबी, मैंने गुस्से में मार दिया, मेरी माँ से मुझे बहुत प्यार है, मेरे प्यार को बचपन से देखती आ रही है, फिर भी वो खुद मुझे समझ नहीं पाई, कल को तुम भी अगर मुझे नहीं समझ पाओगे तो सहना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें समझ पाऊंगी या नहीं ये मुझे पहले सोचना था, तुम्हें प्यार करने के बाद नहीं, मुझ पर चिल्लाते हो, मुझे मारते हो। गलत है, गलत किया इसलिए तो मना रहा हूं ना मैं तुमको बेबी, अभी तुमने मुझे मारा ना तो मैं रोते हुए कहीं पर चला गया क्या? वैसे भी समस्या है तो उसको सॉल्व करना चाहिए, ऐसे साइड होते हैं क्या? ये तो होता रहेगा, लव में तो ये सब होता ही रहेगा बेबी, ऐसे में रोने धोने की बजाय अच्छे से बात करके सब कुछ भूल जाएंगे तो अच्छा रहेगा ना? हा? अरे बाप रे, कितनी जोर से लगी देखो। मुझे भी लगा, हाँ। ऐसे में हम करीब रहेंगे, बहुत ज्यादा करीब रहेंगे तो अच्छा लगेगा, आओ ना मेरे करीब बेबी। ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, दर्द जल्दी कम होगा ना इसलिए। शर्म नहीं आती क्या? ऐसी बातों में शर्म करने वाले को मर्द नहीं कहते हैं बेबी, आओ बेबी, आओ ना बेबी।
कौन थे वो लोग बताओ ना। कूल बताओ मुझे क्या कूल है। लेकिन इस टाइम पे क्या कर रहे हो? सेटिंग है। चल पुलिस स्टेशन चल के बात करते हैं। उन्होंने हम पर अटैक किया है तो आप हमें क्यों पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं? सारी बातें पुलिस स्टेशन में करेंगे। जल्दी गाड़ी में बैठो। दिस इज नॉट फेयर सर। बेबी हमें क्यों बुला रहे हैं आप? स्टेशन ही बुला रहे हैं ना। रिलैक्स, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे पता है यहां पर क्या हो रहा है। चलिए सर। सर आप इसे क्यों मार रहे हैं? हमें क्यों अरेस्ट किया है आपने? जस्ट लीव हिम सर, उसे छोड़ दीजिए सर। एक बात बोलता हूं तुझे, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। रेंट पर दोगी या लीज पर, खुद ही डिसाइड कर ले। सर गलत कर रहे हो। आधी रात को लड़की, उसके अलावा पुलिस स्टेशन, इज्जत नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? देनी पड़ेगी। नहीं दोगे तो मैं सिखाऊंगा। इन सबको मारकर तेरे पास आने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बेबी तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ। मार खान, ऐसे चिल्लर लफड़ों के लिए मैं नहीं आता हूं, पर तेरा नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए एक बार देखने चला आया। उंगली की है ना, देखेगा। कल से तू देखता ही रहेगा। ए, दुख क्या होता है शायद तुझे एहसास नहीं है। तू भी कल से दुखी रहने वाला है। Thanks for your sweet warning. Interesting है ना? इसका रिएक्शन जल्दी ही दिखेगा, उसके बाद मिलूंगा तुझसे। सिर्फ मिलने की बात करना काफी नहीं है, लोकेशन शेयर कर। वैसे भी हैदराबाद का रोड ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है। इसे दिखाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। छोड़ दीजिए सर। जरा हटिए। ए हटो। यहां पर भीड़ क्यों है? क्या हुआ? क्या हुआ माँ? माँ उठो माँ, माँ चक्रे क्या हुआ? माँ ये चोट कैसी? माँ चक्रे क्या हुआ? माँ चक्रे क्या हुआ? तुम्हारी माँ मर गई। मर कैसे गई? मेरी मां मर कैसे सकती है?
मेरी माँ मर कैसे गई? माँ, माँ उठो माँ, 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 माँ उठो ना माँ, माँ, माँ मैं आ गया हूँ माँ, माँ, माँ उठो मैं आ गया हूँ देखो, माँ, मामा, माँ तुम्हें उठना पड़ेगा माँ, माँ प्लीज उठो माँ, माँ आगे खोलो, माँ, माँ प्लीज उठो माँ, माँ, माँ चक्रे किसने किया ये सब? वो कोई जीजा के आदमी थे। कौन हो तुम लोग? कौन हो? चक्री! छोड़ो उसे! वसुदा! का हीरोइज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेके जाओ इसे और इसके घर के सामने फेंक दो। हुआ है हमको कोई जानना, अपना जहां में कोई भी अब तो बचा नहीं, वो वक्त अब कभी भी लौट कर ना आएगा। नरक सी थी जमी स्वर्ग में रहना, अब कमी तेरी कोई ना भर पाए। जीवन ये कैसा कोई भी जाने ना, जाने क्या होगा कोई भी न जाना। ये दिल उदास हो गया है यार अब मेरा,
तेरे सिवा ये बात कोई और जान क्या। हमें छोड़कर चली गई। मैं जब नहीं था तब क्यों लेकर गए थे चकली? मैं जब नहीं था तब क्यों लेकर गए थे? तुम्हारे लिए बहुत देर तक वेट किया, तुम आए ही नहीं। उसे ज्यादा देर तक नहीं रख सकते थे, सब कुछ मैंने ही कर दिया। मैं उसे आखिरी वक्त में देख नहीं पाया। ऐसा मत कहो, आखिरी वक्त में नहीं देख पाया। शांत हो जाओ, आखिरी वक्त में नहीं देख, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं, शांत हो जाओ। मेरी रानी ये क्या हुआ, कैसे भूले कोई देवता, जाने कैसे ये हो गया, हम क्या करें अब कोई भी हमें बताए ना, ये कैसा दुख हुआ है हमको कोई जानना, अपना जहां में कोई भी अब तो बचा नहीं, वो वक्त अब कभी भी लौट कर ना आएगा। अगर कोई जरूरत हो तो मेरे पास आना, चुटकी बजाते काम हो जाएगा। अरे हट जाओ, अरे मैं बात करने आया हूँ, झगड़ा करने नहीं सकते। अरे रुक रुक, मुझे अर्जेंट में मिनिस्टर साहब से मिलना है, परमिशन नहीं है। अरे वो मुझे देखेंगे तो पहचान लेंगे, प्लीज नहीं जा सकते। रुको रुको, अरे मेरी बात मानो ना, अरे वो मुझे जानते हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ बस एक बार, प्लीज मुझे मिलने दो, उसके बाद मैं चला जाऊंगा उनसे मिलने। हां सर, वो मेरे बहुत करीबी हैं, जल्दी अंदर भेजो। अरे प्लीज जाने दो ना, मुझे मिलने दो उनसे। हाँ सर बोलिए, भेजता हूँ सर। बोला था ना, ठीक है। मेरी माँ को मार दिया सर। किसने? वो कोई जीजा है, वो कोई तोप है क्या सर? भले ही वो तोप हो, मैं उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा, उसके दिल में फुल मैगजीन उतार दूंगा मैं। उसके लिए मैं जिस स्टेज पर हूं वो काफी नहीं है सर। सर आपने बोला था ना कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो आपके पास आने के लिए, आप बजाइए सर वो चुटके। मदर प्रॉमिस, उस पति को मार डालूंगा। ऐसा है, बढ़िया है। हर वक्त मुझे एक ही नजर से देखने वाले हैं, आज बहुत अलग नजरिए से देख रहे हैं। ये धरती बहुत ही छोटी है ना भाई, बहुत फास्ट घूमती है। आपके लिए अभी वैसे ही घूमेगा। सर अभी सच में आप पुलिस है क्या? डाउट है क्या? गन भी दी हुई है। थैंक्स फॉर उंगली कराओ उंगली, नाउ गेट रेडी फॉर माय उंगली।
स्टेशन के एरिया में रहने वाले जीजा पर एक भी केस बुक क्यों नहीं हुआ है? सर उसके डर से किसी ने कंप्लेंट ही वेरी इंटेलिजेंट फेलो हाँ तो फिर एक काम करते हैं उसके बिना मी या उसके भरोसे के आदमियों पर केस बुक हुआ होगा ना इमीडिएटली क्या कहा इमीडिएटली वो फाइल्स मेरे सामने रख दो जाओ जल्दी कैसा था भाई तू तो आ गया भाई वायर ओ बहुत लोगों ने गलत काम किए भाई तुम्हारे डर्टी हैंड से एक फाइल निकालो यू मीन लकी नो डर्टी ओके मुझे एक डाउट है तू एसआई बना चलेगा लेकिन तूने मुझे कांस्टेबल क्यों बनाया मेरी माँ अक्सर कहा करती थी हमें खुद पढ़ना चाहिए या फिर पढ़े लिखे इंसान के साथ रहना चाहिए हमारे बीच में बीटेक पास होने वाला तू ही है इसलिए मेहनत करके कांस्टेबल जॉब के लिए रिकमेंड करवाया बीटेक किए हुए को कांस्टेबल अब चल काम कर ठीक है इंकी पिंकी पोंकी फादर इज द डोंकी ये तेरा डर्टी हैंड्स नहीं है लकी हैंड्स इन चारों के टच में कैसे जाऊं ये सोच रहा था कोई बात नहीं अद्भुत फाइल उठाइए तुम तो साथियों चलिए जगह पर चलते हैं Rocks. Come out. अच्छा तो पुलिस ड्रेस में आएगा तो मान लेंगे कि तू पुलिस वाला है अभी भी नहीं मानेगा तो ये बुलेट घुस जाएगी तुझमें ए, तेरी प्रॉब्लम क्या है जानता मैं कौन हूं जीजा का आदमी हूं ओ तू जीजा का आदमी है क्या तो मैं कौन हूं जानता है जरा लग जरा देखिए दिखाई देने वाले तीन शेर यहां आए धर्म के हैं वो क्या कहते हैं प्रतिरूप है सर हां प्रतिरूप है तो जो चौथा शेर नजर नहीं आता ना वो है ये पुलिस Hey!
सर सबको मारपीट करके साइन लेके छोड़ रहे हैं ना, तो हमारा साइन लेकर हमें भी छोड़ दीजिए ना सर। उन लफंगों की उम्र हो गई है, वो सुधरे या नहीं सोसाइटी को ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन तुम तो स्टूडेंट्स हो, तुम अगर नहीं सुधरोगे तो सोसाइटी को कितना बड़ा नुकसान है। आप सर हम लोग भी सुधर जाएंगे प्लीज सर। अरे तेरी रिक्वेस्ट में रियलिटी नहीं है बे। अरे रुक क्यों गए, बोलो ना। सर 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 सर, सर बस एक चांस दे दीजिए सर, मैं अपना टैलेंट आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ऐसा कुछ बोलो ना, पैरों में गिर जाओ। सर बहुत दयालु है। मतलब प्रजा को शासक के बारे में बताना चाहिए ना। तो फिर पता चला गया सर, बस एक चांस दे दीजिए। पता चल गया सर। क्यों रे, तुम लोगों को अंदर डाल दिया था ना, तुम लोग बिल्कुल भी डरना मत। उसके पीछे चाहे कोई भी हो, उसको पुलिस की जॉब कैसे मिली वो सब जीजा भाई देख लेंगे। उसके अंदर कहीं ना कहीं डर है, इसलिए वो मेरे पास नहीं आया। उसे डर लगता ही नहीं भाई। हाँ, क्यों भाई? हाँ, भाई। हाँ, हाँ। इसीलिए आपको मारने के लिए हमें गन देकर भेजा है। क्या कर रहा है तू, गन हटा। पर उसने इसी से मारने के लिए बोला है भाई। हाँ, भाई आपने हमारी बहुत हेल्प की है, लेकिन कोई चारा नहीं बचा है, बुरा मत मानना भाई। क्या कर रहे हो तुम लोग? ए रुक जा, मर मत जाना। ड्रेस अच्छा है ना, बहुत अच्छे से सेट हुआ ना। अब मर जा। वेलकम। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, अच्छे से सुनाई दे रहा है ना? हाँ, वो कासिम नाम के राउडी शीटर को मारने वाले ये चार लोग हैं, इन्होंने कबूल कर लिया है और बाकी की बातें इनकी जुबानी सुन लीजिए। हाँ, कासिम को हमने ही मारा है और ये सुपारी जीजा ने दी थी। हम लोग कासिम भाई के लिए छोटे मोटे सेटलमेंट किया करते थे, इसी बीच कासिम का जीजा से झगड़ा हो गया और जीजा ने हमें कासिम की सुपारी दे दी। हाँ, इनके साथ साथ मेरे पास 45 केसेस और हैं। इतना काफी नहीं है क्या जीजा को अरेस्ट करने के लिए? अब इन चारों के साथ क्या करने वाले हैं सर? मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ, इसलिए सेक्शन पर मेरा अच्छा ग्रिप नहीं है। इस केस के मुताबिक हर सेक्शन लगाकर इन चारों को अंदर डालकर इनकी हड्डी पसली तोड़ूंगा। ये क्या सर? आपने तो कहा था कि आप हमें छोड़ देंगे। चिल्लाओ मत, मर्डर करके कहानी बनाते हो। कांस्टेबल इनको अंदर डालो। जीजा तू आ जा, नहीं तो बैंड बाजा। सब ओके है ना? अच्छे से लिखना और अच्छे से दिखाना, नाम याद है ना? इस्मार खान। जीजा, ए जीजा छिप गया क्या? बाहर आ, कमीने बाहर आ जा जल्दी। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर पे आके खुद को हीरो समझेगा तो कैसे चलेगा? एक ही जगह पे रहने वाला मुझे क्या चिल्लर रावड़ी समझा है? ए चीचा, क्या हुआ, उदास क्यों हो? वो कमीना कहाँ है समझ में नहीं आ रहा है सर। वो भले ही किसी भी कोने में हो, उस कोने से उसको निकालकर उसकी हड्डी पसली तोड़ूंगा। तुम क्या चीज हो ये वो समझ चुका है और इसी वजह से वो तुम पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। एक न एक दिन तो वो तुम्हारे सामने आ ही जाएगा। वही वही वही, कैसे कैसे? अगर तुम्हें यहां बैठकर ऐसे ही सोचना था तो मुझे क्यों बुलाया? सॉरी बेबी, क्या कर रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही रहो, मैं चलती हूँ। ए बेबी 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 बेबी, प्लीज बैठ जाओ, बैठो ना।
मैं अपने मन को यहाँ पर शांत करने के लिए आया हूँ, तो तुम क्यों जा रही हो? यहाँ रहने आए हो तो यहीं रहो ना। वो भी करेक्ट है, करेक्ट है। कम से कम थोड़ी देर कुछ सोचे बिना मेरे साथ ही रहो ना, वरना मार डालूंगी। बुलेट है उसमें बेबी, खिलौना समझ रही हो क्या? नीचे रखो इसे, हाथ दो अपना। नो। दो ना बेबी, प्लीज यहाँ आओ। इस सोसाइटी में मर्दों के पास 100 प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन औरतों के लिए मर्द ही प्रॉब्लम होता है। आहा, ऐसी बैठी हो तो मन को शांति मिल रही है। अरे बेबी, जिम कर रही हो क्या? आई नीड योर लव। अच्छे से फॉलो किया, उसकी गर्लफ्रेंड को ही पकड़ लाया। सुबह से शाम तक अच्छे से फॉलो किया भाई,
लेकिन शाम होने के बाद पता चला कि उसने हमें फॉलो किया। खासा जी रहा था, पैसा भी कमा रहा है, धंधा बढ़ रहा है, पॉलिटिकली भी अच्छी पकड़ है, तो फिर मुझसे पंगा क्यों लिया तूने? अगर मेरी माँ को तूने नहीं मारा होता तो आज अच्छे से जीता ना। अब देख, बेवजह मारना पड़ रहा है ना तुझे। गलत किया तूने, बहुत बड़ी गलती की तूने। तेरी माँ को मारने वाला मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। मर गया क्या? ए जीजा, ए जीजा, मेरी माँ को मारने वाला तू नहीं है? अरे प्लीज यार, प्लीज 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 बता के जाना। ए जीजा, अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, उठ जा। ए जीजा, अरे उठ। ए जीजा, उठना। ए जीजा, ए अरे बताना बताना बता। ए मेरी माँ को अगर जीजा ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? आखिर यहां पर हो क्या रहा है? हाँ
बाय माँ। बाय सर। कॉलोनी के सभी घर में सीसीटीवी कैमरा लग रहा है, आपके भी घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाऊं क्या? मैं अपने घर में खुद ही सीसीटीवी कैमरा की तरह हूँ, तो दूसरे सीसी कैमरे की क्या जरूरत है? हाँ जाइए। सही कहा ना माँ, करेक्ट बोल रहा हूँ ना? बाय। चक्री ने चीचा का नाम लिया पर मारने वाला चीचा नहीं है। चीचा नहीं था, उसके आदमी नहीं थे, तो फिर मारा किसने? चक्री ने कहा वैसा कोई नहीं आया था। चक्री को बैग किसने दिया? मतलब मारने वाला। अरे यार, और कितने दिन इस तरह दुखी रहेगा? तुम्हारी माँ मेरी बीवी नहीं रही, ये बात सच है। इसकी हमें आदत डालनी होगी, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेते हो चक्री? हाँ? एक्टिंग कैसी? हाँ एक्टिंग बहुत ही अच्छी की है चक्री। मैं क्या एक्टिंग कर रहा हूं? मेरी माँ को क्यों मारा चक्री? मैं तुम्हारी माँ को कैसे मार सकता हूँ? मेरी माँ को तुम नहीं मारा। मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा भला? नहीं, मेरी माँ को तुम नहीं मारा है। पागल हो गया क्या तू? मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मेरी माँ को तुम नहीं मारा है। मैं क्यों मारूंगा भला? मेरी माँ को तूने मारा है। मैं क्यों मारूंगा बता दो। नहीं चक्री, मेरी माँ को तू नहीं मारा है। मैंने नहीं मारा है। मेरी माँ को तू नहीं मारा है। मैंने नहीं मारा है। मेरी माँ को नहीं मारा है मैंने। 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 हाँ हाँ, मैंने ही मारा है। मैंने ही मारा। एक बात मुझे हमेशा खटकती थी, दिन रात वो बस यही सोचती रहती थी, तुमने खाना खाया या नहीं, तुम ठीक हो या नहीं, तुम्हारे कपड़े टिप टॉप हैं या नहीं। लेकिन उसके बेचारे पति का क्या? अगर उसे हर बात के लिए तुम्हारी फिक्र थी तो फिर सोचो ना, उसने मुझसे शादी क्यों की? सिर्फ मेरे साथ एक पलंग पर रात बिताने के लिए। मेरे जो दुख है, मेरी जो तकलीफ है, मेरी जो परेशानी है, कभी उसने मुझसे पूछा क्या? वो मुझसे जब भी बात करती थी हर बात तुम्हारी होती थी और कुछ भी नहीं। तो फिर मुझे क्या जरूरत थी ऐसी बीवी की? जब से मेरी शादी हुई तब से मुझे बस एक ही बात का शक था कि आखिर तुम दोनों के बीच में चक्कर क्या है। जब देखो वो तुम्हारे ही कमरे में रहती थी, वो तुम्हारी माँ थी क्या? मतलब बाहर दुनिया की नजरों में माँ बेटा बने हुए थे, और अंदर
कमरे में जादू की झप्पियां चल रही थी उसकी तो असल में उससे कैसे पीछा छुड़वाऊं, बस दिन रात यही सोचता रहता था। और तभी एक बंदा आया, बोला 1 करोड़ रुपया देगा। उसने कहा कि अपनी बीवी को मार दे। पर क्यों मारूं सर, ऐसा बोलने का मन भी नहीं किया मेरा। एक तरफ 1 करोड़ रुपए और दूसरी तरफ मां बेटे की जोड़ी, जिसमें मैं एक कबाब में हड्डी की तरह था, है ना। तुम्हारी मां की जान बहुत कीमती थी, किसी को वो चाहिए थी, तो मैंने उसे मार डाला। पर मैंने उसे यूं ही नहीं मारा। ये देखो, इसी भगवान की पूजा कर रही थी। उसके भगवान के पास उसका सिर ले जाकर नारियल 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 की तरह फोड़ दिया। पर वो मरी नहीं। ये देख, इसी दीवार पर 20 बार मारा, फिर भी मरी नहीं वो। मजबूत जान थी ना। पर मुझे पता था कि उस एक जगह मारूंगा तो काम हो जाएगा। जीजा के मर जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पर नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई सर। जीजा का भाई तलवर शहर में आ गया है, वो मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन है सर। वो जीजा से बड़ा राक्षस है सर। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए सर वो पक्का हमारे सिस्टम से पंगा लेगा सर। आने दो। जब कोई भी सिस्टम को डिस्टर्ब करता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको डिस्टर्ब करता है। मैं जिस सिस्टम की बात कर रहा हूं वो कौन है पता है? 30 मार खान। यहां बैठाइए। जो कुछ भी किया है ना जीजा ने किया है, मैं सच कह रहा हूं। मैंने खुद अपने कानों से सुना है, अभी तक जो कुछ भी हुआ सब उसी का गेम था। अगर मैं कहीं चला जाऊंगा तो उससे मिलूंगा कैसे? पहले ये देखना होगा कि वो है कौन, इसलिए मैं यहीं पर बैठा हूं।
भाई को मारने वाला जिंदा रहेगा तो कैसे चलेगा? ये लो तलवार, इसमें 30 करोड़ है, बाकी का 30 काम होने के बाद भेज दूंगा। ये अब तक जिंदा है, इसने हमें देख लिया है, अगर ये जिंदा रहा तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इसे मार दे, मार दे। रिलैक्स, यहाँ इतने लोग हैं, तुम्हें क्या लगता है कि इसको ऐसे ही छोड़ देंगे? इसे छोड़ना नहीं, किसी भी हालत में जिंदा नहीं रहना चाहिए, इसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, छोड़ना नहीं। कुल, उसको मारने से पहले यहाँ से कोई नहीं बचना नहीं चाहिए। तलवार, मार दो इसे, मार दो इसे। बचपन से पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगाते हुए बिताया है, इसलिए मारने से पहले हमेशा आखिरी इच्छा पूछना मेरी आदत है। चल बता, तेरी लास्ट इच्छा क्या है? बस 10 मिनट रुक जा, फिर मार दे। किस लिए? जिंदगी में बहुत मेमोरीज होती हैं, कहते हैं मरने से पहले वो सब याद आती हैं, बस वो एक बार याद कर लेता हूं, उसके बाद मार देना। तेरे लिए मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। ए, इसे मार कर इसका वीडियो मुझे सेंड कर देना। ए, टाइम खत्म हो चुका है, चलो शुरू करो। मार सकते थे ना, 10 मिनट का टाइम क्यों मांगा? अबे मैं कोई रोबोट हूं क्या? इंसान ही हूं। तुम लोगों ने मुझे इतना मारा तो मेरी बॉडी को रीजनरेट होने में कम से कम 10 मिनट का टाइम तो लगेगा ही ना। बोल, लगेगा कि नहीं? लगेगा। हेलो, सुनिए जी, घर पर कोई आया है और करोड़ रुपए देकर रखने को कह रहा है। 1 करोड़ रुपए? कौन है वो, किसने लाकर दिए, फोन दो उसे। जिसने ये भेजा है वो इस वक्त आपके पास ही है कह रहे हैं। मेरे पास? मेरे पास कौन है, यहाँ कौन आया? तूने जो 1 करोड़ रुपए दिए उसके लालच में आकर चक्री ने मेरी मां को मार डाला, इसलिए वो मर गया। मार दिया तो उसके पीछे जो वजह है उसको भी तो मरना होगा ना।
उसके बाद तेरी बीवी बच्चों का जीना मुश्किल है, इसलिए इंसानियत के नाते वो पैसे लौटा दिए। प्लीज सच में मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज मुझे छोड़ दो, सच में मुझे कुछ नहीं पता। तुझे कुछ नहीं पता? नहीं पता। सच क्या बता? सच में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। काफी दर्द हो रहा है ना? मैं कुछ नहीं जानता, सच में मुझे कुछ नहीं पता, छोड़ दो मुझे प्लीज। ओ, तो ये दर्द काफी नहीं था? प्लीज प्लीज सच में मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज। तुझे कुछ नहीं पता? नहीं पता। बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ। ये बात अगर तूने पहले ही बता दी होती तो इतना कुछ नहीं होता ना। चल अब बता मेरी माँ को किसने मारा है। नीटली क्लियरली क्लैरिटी से बता। ये सब करने वाले हैं होम मिनिस्टर। किस लिए? मेमोरियल डायमंड। मतलब? तुझे बताऊंगा तब भी समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा? कोई बात नहीं, मैं समझ लूंगा। बताएगा या फिर से गोली मारूं? बताता हूं, बताता हूं। बता। मेमोरियल डायमंड एक इंसान के मरने के बाद रेमिनेशन करने के बाद जो राख होती है उससे बनने वाले सिंथेटिक डायमंड बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप वालों की मौत से वो बना सकते हैं। ये जानने के लिए ही मिनिस्टर साहब इतने सारे डायग्नोस्टिक सेंटर चला रहे हैं और वो भी फ्री में चला रहे हैं। तुम्हारी माँ का भी वही ब्लड ग्रुप है, इसलिए तुम्हारी माँ को मारकर उससे भी एक डायमंड तैयार किया है। अब तक उन्होंने 40 लोगों को मारा है। किस लिए? क्या मिलेगा उससे? क्या मिलेगा उससे? करोड़ों रुपए मिलेंगे। ग्रहों के लिए पत्थर और भगवान की अंगूठी पहनते हैं ये सोचकर कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो, उसी तरह ऐसे इंसान की मौत से आने वाले डायमंड के जरिए वो मरा हुआ इंसान हमारे साथ ही है और वो हमारी रक्षा करेंगे। ये सोच रखने वाले अब्रॉड में कई दौलतमंद करोड़ों में कमाते हैं। वहाँ पर उस डायमंड की वैल्यू हमारे नॉर्मल डायमंड से 10 गुना ज्यादा है। समझ में आया क्या? नॉर्मल डायमंड की कीमत 1 करोड़ रुपए होगी तो उस डायमंड की कीमत 10 करोड़ होगी, इसलिए ये सब किया। ये सब भी मानते हैं क्या? क्यों नहीं मानेंगे? मंदिर के बाहर भिखारियों को 1 रुपया देने के बजाय अंदर हुंडी में लाखों लाख रुपया डालते हैं कि नहीं? अपनी भलाई के लिए कहते हैं ये मान्यता है, ये भी एक मान्यता है, मान्यता। तो फिर जीजा? जीजा जीजा और होम मिनिस्टर एक ही हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले वही दोनों हैं। उन दोनों के बीच में हुए फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से जीजा ने होम मिनिस्टर को टारगेट किया था। उसी समय होम मिनिस्टर तुम्हारी माँ को मारकर उसका इल्जाम जीजा के सर पर डालकर तुम्हें जीजा को मारने के लिए मजबूर कर दिया। तो फिर तलवार? तलवार को भी होम मिनिस्टर ने ही क्रिएट किया है तुम्हें मारने के लिए। तुम्हें मारने के बाद तलवार और मिनिस्टर फिर से इस बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। इंसान के मरने के बाद उसके राग से पैसे कैसे कमा सकते हैं? आज मिनिस्टर का बर्थडे है, उस राग की वैल्यू कितना करोड़ है मिनिस्टर के पैलेस में जा, तुझे खुद समझ में आ जाएगा। गुड, वेरी गुड, बहुत क्लैरिटी से बताया तुझे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। अब तेरी जान से मुझे कोई काम नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। सर, 30 मार खान को सब पता चल गया, अभी के पास आ रहा है वो। आजा तुझे मैं भर दूं, जीवन को रंगीन कर दूं, महफिल में जम कर नाचूं, पी जा नशे का जाम दूं। दिमाग ज्यादा लगा तू, मैं सबसे ज्यादा हक हूँ, मेरी गलियों में आ तू, आजा खिंचवा ले फोटो। एक बार इश्क कर ले, सबसे अलग है ओ यारा पछताएगा दम कैसी।
आजकल दीवानी मेरी कहानी किसी ने भी तो ना जानी कितना तू सोचेगा खुद को क्यों रोकेगा पंजाब से यूपी तू महिला एक बार इश्क कर ले एक बार एक बार एक बार दिल पे बोली माँ दिल सबसे अलग है ओ यारा पछताए यार देखो मिनिस्टर साहब आ गए हमारे कितने लोग हैं 20 लोग हैं सर पार्टी में जितने लोग आए हैं सबको भेज दो ठीक है सर अपने लोगों को एक एक जगह छुपने के लिए कहो उस 30 मार खां के आते ही उसे गोली मार देना सर जाओ चलो ए, चल स्मार खान शौना बनता है विकी विकी बैंग बैंग मार दिया भाई ऊपर लेकर आओ ए उठाओ लेके चलो इसे ए गेट खोलो ए चलो उठा संभाल कर संभाल कर संभाल कर क्या यार ठीक है जाओ जाओ जाकर पियो जाओ जाओ ओके सर चलो हाँ सर ए, ए, पागल है मर गया पूरा पागल है ये सारा खेल मेरा है इसको समझ में ही नहीं आया इसकी माँ मर गई तो इसने सोचा कि जीजा ने उसे मारा है पर इसकी माँ की मौत के पीछे मैं हूँ ये इसे पता ही नहीं चला किसी को नहीं पता चला असल में इन्हें भी नहीं पता इतने डायग्नोस्टिक सेंटर खोलकर सर्विस कर रहा हूँ तो लोग सोच रहे हैं कि सोशल सर्विस कर रहा हूँ पर मुझे जो मौत चाहिए उसके लिए ये सब कर रहा हूँ ये किसी को समझ में नहीं आता नहीं आया नहीं आया नहीं आया किसी को समझ में ना आए इसलिए इतना अच्छा परफॉर्म किया इसे भी समझ में नहीं आया और ये मर गया इसको पुलिस जॉब दिलाया तो ये खुश हो गया कि मैंने ये सब इसके लिए किया है लेकिन ये समझ नहीं पाया कि ये मैंने अपने लिए किया और सुनो जीजा मेरे रास्ते में आ रहा था उसको हटाने के लिए इसे पुलिस जॉब दिलवाकर उसे रास्ते से हटा दिया जीजा का बदला लेने के लिए उसका भाई तलवार आया और उसके भाई को मार दिया इस गुस्से में 30 मार खान को मार दिया ठीक क्यों तो फिर यहां एक लॉजिक ये है कि पैसे के लिए किया जाने वाला हर गुनाह जो पैसा ही बचाता है इसलिए मैं हर वो काम करूंगा जिससे मुझे पैसा मिलेगा आई लव मनी आई लव मनी क्यों रे मेरा ये एंगल देखे बिना ही मर गया
तीस मार खान, तीस मार खान। अरे उठ ना। अरे सिनो, मस्त गोली चलाया यार। मैंने कहाँ गोली चलाई? हाँ? मैंने गोली नहीं चलाई। ए रघु, तूने चलाई क्या? मैंने नहीं चलाई भाई, तूने चलाई क्या? नहीं चलाई भाई। ए तूने चलाई, तुम चलाओगे सोच के मैंने नहीं चलाई। मैंने नहीं चलाई। मैंने नहीं चलाई। अरे अरे फिर चलाई, तो फिर चलाई किसने? हाँ वही तो है। अरे ए रुको रुको रुको, मैं जानता था तू बता देगा, इसलिए मैंने तुझे ठीक से नहीं मारा, अब ठीक से मारूंगा। इसका मतलब वो मरा नहीं है। हेलो, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग, स्टार्ट करें क्या? ओके सर। हाँ दोस्तों, घटनास्थल पर तुमने जो देखा वो यहाँ पर बता दीजिए। जीजा को मारने वाला होम मिनिस्टर था, होम मिनिस्टर को मारने के लिए तलवार शहर में आया, उन दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ उसमें उन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। क्यों, सही बोला ना? करेक्ट बोला ना? यही हुआ, यही हुआ था। सो ये है मैटर, जीजा मर गया, अब नेक्स्ट हुडिंग की तरह आने वाला तलवार भी मर गया, इसीलिए अब से यहाँ पर मिसिंग, इलीगल, अराजकता ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं होगा ना? नहीं होगा। सब इंस्पेक्टर 30 मार खान, यानी कि मैं आपको और आपके मीडिया मित्रों के द्वारा जनता को गारंटी देता हूँ, वैसे एक अच्छे मिनिस्टर और एक अच्छे इंसान को खोने की चिंता व्यक्त कर रहा हूँ। अरे हेमंत सर, हिंदी पर अच्छी पकड़ जमा ली है ना मैंने? गर्व से सीना चौड़ा हो गया सर। पता नहीं क्यों मीडिया वालों को देखते ही फ्लो अपने आप आ जाता है। आपका एटीट्यूड है सर। सही का। सलाम, नमस्ते, आदाब, आपका प्यारा टीएमके। तुम्हारा नाम क्या है? श्री। तो फिर स्कूल का नाम क्या है? ग्लोबल हाई स्कूल। तुम्हारे पापा नहीं आए, इस बात का दुख है क्या? कोई बात नहीं, मैं हूं ना। सर। हाँ बोलिए। आज के बाद बच्ची की हर जरूरत मैं पूरी करूंगा। ओके। ये लीजिए इसकी 3 साल की फीस। थैंक यू। तुम्हारे पापा पैसा कमाने के लिए दूसरे देश में चले गए हैं, जब तक वो नहीं आ जाते तब तक तुम्हें जो भी चाहिए बस ये सर को बता देना, ये मुझे फोन कर देंगे। ओके ना? That's the spirit। तो फिर बच्ची के गार्जियन के तौर पे आपका नाम लिख दूं? लिख लीजिए सर। आपका नाम? 30 मार खान। वैसे बचे हुए पैसों का तुमने क्या किया? गवर्नमेंट को हैंडओवर किया? अगर गवर्नमेंट के हैंडओवर कर देता
तो असली हैंड तक नहीं पहुंच पाता। तो सारे पैसों का तुमने क्या किया? नेक्स्ट क्या है? क्या है? ख्याल रखने के लिए माँ नहीं है, शादी करने के लिए तुम हो। हाँ? शादी करूंगा तो माँ की तरह मेरा ख्याल तो रखोगी। तुम खुद देख लेना, पागल कर दूंगी। तो फिर ठीक है, देखता हूँ कितना पागल करती हो। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? गोवा। इसकी? फर्स्ट हनीमून, हमारी बेटी पैदा होने के बाद उसका फर्स्ट बर्थडे, और हमारी शादी का दिन एक ही होना चाहिए। ऐसा क्यों? अरे हमारी शादी मेरी माँ पैदा होकर सब संभाल लेगी ना। अगर बेटी पैदा नहीं हुई तो? इसमें क्या, जब तक पैदा नहीं होगी तब तक बच्चे पैदा करते रहेंगे। हाँ। आओ बेबी।